भाई साहब क्या करूं मैं, बताओ अब क्या करूं। पिल्लू पिल्लू तो यार आज अपन लोग करते हैं भोपाल दर्शन। कलियासोत डैम पे शेर दिखा और यहाँ कपल भ्रमण भी काफी होता है। आईफोन 11 से फोटो खींच रही है कमलेश। अपना लो सब शाकाहार। अरे यार पर मुझे चिकन बहुत पसंद है। रंग दे तुमो है गेरुआ। तो चलिए व्लॉग शुरू करते हैं। यार आज मुझे ना सुबह सुबह उठा दिया गया है और पिल्लू को इंजेक्शन लगाने जाना है। किसी ने मेरे को इनबॉक्स में एक वीडियो शेयर किया, वो मैंने देखा तो मेरे होश उड़ गए। तब से मेरे बाल ऐसे हो गए, मैंने शाहरुख का विमल का ऐड देख लिया। भाई साहब क्या करूँ मैं, बताओ अब क्या करूँ। ऐसे दिन की शुरुआत की है तो अब मैं कुछ नहीं कर सकता। तो चलो चलते हैं, इंजेक्शन लगवाएंगे। अब तुमको इंजेक्शन लगवाने जाएंगे, चलो अंदर चलो अंदर चलो, तुमको इंजेक्शन लगवाना है आज, चलो। पिल्लू पिल्लू यहाँ से देखिएगा, खिड़की के पास करता है। आ जाओ चलो अपने को। नहीं आ रहा। अरे आ जाओ यार, आ जाओ पिल्लू, चलो। अरे यहाँ नेल भी कटते हैं ना इसके, तो इसको पता है, और यहाँ नहीं आता वो। पिल्लू को लगेगा इंजेक्शन ये। लो लग गया पिल्लू, पिल्लू को तो पता भी नहीं चला। अरे वाह यार पिल्लू, एक और इंजेक्शन लग गया। पिल्लू तो कितना अच्छा है, आराम से लगवा लिया। अभी भी वो जाने को ही है बेटा दादा पीछे। क्यों ले आए मुझे यहाँ पे। तो यार ये बहुत अच्छा क्लिनिक है, लिटिल पॉज डॉग क्लिनिक। कंसल्टेशन आवर्स मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे मॉर्निंग संडे मॉर्निंग। और ये है नंबर, किसी को अगर कांटेक्ट करना हो, कुछ पूछना हो यहाँ पे, या आना हो। यहाँ नेल्स कट हो जाते हैं, पिल्लू के बाल भी कट हो जाते हैं, सब कुछ हो जाता है यहाँ पे। तो कौन सा कार्डबोर्ड स्टैंपर लैपटॉप भी लगा है, एनिमल और इंटीरियर। तो ये आसान भाषा में अपन कैसे जानेंगे इसका? काटने वाले काटने वाला है सर, मतलब कुछ होगा नहीं, किसी को काट वाट देगा तो कोई दिक्कत नहीं। इसको ये बीमारी होती है ना, वो बीमारी भी नहीं नहीं होगी। अच्छा चलो सही है। ये भी एक चीज ली मैंने यार। ये क्या है? इससे पिल्लू के बाल निकल जाएंगे तुम्हारी छाती पे जितने लगे। अरे ऐसा है क्या? अरे वेरी गुड। हाँ निकल गए बेटा दादा, निकल गए। ओह रुको, बाल इसमें आ गए। अरे हाँ निकल गए यार, गुड। ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। ये चढ़ गए यार। अब पिल्लू को इंजेक्शन लगने के बाद हम जाएंगे घर। अभी दोस्त लोगों का फ़ोन भी आया है, कहीं बाहर घूमने का प्लान है। इतनी गर्मी हो रही है, कैसे जाएंगे यार। चलो पिल्लू अपन को चलना है अब। ये दे दो मेरे को चेन जिसमें तुम पकड़ाओ नहीं। आ जाओ, अबे फंस जाएगी गर्दन। अब टाटा चलो आ जाओ। पिल्लू आ चुका है इंजेक्शन लगवा के, अब हम लोग जा रहे हैं घर। पिल्लू को लिफ्ट में आना और जाना आता है, समझ गया वो कि पहुंच गया। चलो। तो यार आज अपन लोग करते हैं भोपाल दर्शन, क्योंकि मैं लेट हो गया हूँ, नीचे दोस्त लोग खड़े हुए हैं, और कार लेने के लिए हमको अपने हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। ये ब्लॉग ऐसा नहीं है कि मतलब मैं भोपाल दर्शन करा रहा हूँ, लेकिन जहाँ जहाँ मैं जाऊँगा वहाँ आपको लेके जाऊँगा, ठीक है। तो नीचे तो दोस्त लोग खड़े हैं, आदित्य और कमलेश, जो कि बहुत गुस्सा हो रहे होंगे क्योंकि मैं हमेशा की तरह फिर लेट हो गया और 10-15 मिनट से उनको नीचे खड़ा करा के रखा है, ठीक है। अरे भाई साहब माफ़ी चाहूँगा मैं, बहुत लेट कर दिया। माफ़ी की गुंजाइश रखूँगा। किससे मिलना चाहते हो भाई, तुम किससे मिलने जा रहे हो? अक्षय से मिलना है या अक्षिणी से मिलना है भाई? ब्लैक ऑप्स। यार हम लोग निकल चुके हैं भैया के हॉस्पिटल के लिए, वहाँ अपनी कार खड़ी हुई है, वो उठाएंगे और उसके बाद हम घूमने निकलेंगे। ये लोग कहाँ गए दिख नहीं रहे। और ऐसे राइडिंग करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता भाई, कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है तो मत करना, ठीक है। ये बस मैं आखिरी वीडियो है मेरा जो मैं ऐसे बनाऊँगा, उसके बाद मैं नहीं बनाऊँगा। ये कोलार का ट्रैफिक देखो कितना खतरनाक है। तो यार ये खड़ी है अपनी कार,
भोपाल आयुर्वेदिक सर्जिकल सेंटर जो कि ये है, यही अपना अस्पताल है। यहाँ पार्किंग का बड़ा लोचा होता है यार, ये दीवार जो देख रहे हैं ना, इसके सीध के इस तरफ ही होना चाहिए, अगर इस तरफ हो जाएगी तो लड़ाई हो जाएगी। इसीलिए कार हटा दी और ये खड़ी कर दी गाड़ी। चले फिर, चलो स्टार्ट करते हैं। तो यार हम लोग आ गए कलियासोट डैम, दिखा दे दिखा है ना, सही है ना, मस्त व्यू। ये भाई कलियासोट डैम, वहाँ नहीं जा रहे हैं अक्सर, हम लोग वहाँ पे पैदल चलते हैं, घूमते हैं दोस्तों के साथ, लेकिन अभी हम यहाँ रुकेंगे, ज़रा सा थोड़ा सा दिखा दूँगा आपको ये चलिए ना। सही है, ये प्रेमी जोड़ा दिख रहा है आपको, ऐसा हो जाता है कभी कभी। यहाँ पे ऐसे वॉक करते हैं, इसके ऊपर चलने का बना हुआ है। ये कितनी लंबी पट्टी होगी यहाँ से वहाँ तक की? 2 किलोमीटर? एक तो 1 किलोमीटर, मुझे क्या पता क्यों ज़्यादा लग रहा है। और ये पूरा जंगल है यार, यहीं पे शेर वेर देखने की जो बात होती है ना भोपाल में, कलियासोट डैम पे शेर दिखा तो वो यहीं कहीं दिख जाता, कभी यहाँ कभी यहाँ, रोड वोड पे भी आ जाते हैं तो फिर उस दिन बैरिकेड्स लग जाते हैं। ये जो देख रहे हो ना, ये पलाश का पेड़ है या किनशुक का पेड़ है, तो अभी होली आने वाली है ना, तो इससे कलर बनता है नेचुरल। कितने सही जगह पे पेड़ है ना, मस्त एक नंबर व्यू। ये मंदिर है यार, यहाँ पे भी ना हम कभी तो जाएंगे, सिटी हमारी उतर नहीं पाएगी वहाँ पे, तो जब हमारे पास एसयूवी होगी ना तब हम वहाँ पे जाएंगे और मंदिर भी जाएंगे। मैं तो कभी गया नहीं पर जाएंगे, 17-18 साल में आज तक नहीं गया, जाएंगे। यार ये रोड ना मेरे को बहुत पसंद है, यहाँ पे जैसे सामने देख रहे ना, देखा सामने ये वाइट वाइट कलर के जो फूल हैं, ये कितने अच्छे होते हैं, और बारिश के टाइम पे ना ये और एकदम आते हैं, है ना, कितना सुंदर, कितना सही है, जब एक कर सकते हो कभी भी, कितना सुंदर है, कितना अच्छा है, सामने देखो कितना अच्छा है, इसलिए तो मुझे भोपाल पसंद है। देखो कितना अच्छा मौसम भी इतना अच्छा हो रहा है ना, लकी कि मज़ा आ जाएगा, बहुत अच्छा, बहुत सुकून, बहुत सुकून। कुछ 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 छोटा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, वाले बाप ले, वाले बाप ले, कुछ कुछ। अरे 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 नहीं 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 नहीं, बच 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 बच। यार बारिश हो रही है, फटाफट बता देता हूँ, ये है केरवा रिसोर्ट, यहाँ आकर आप रुक भी सकते हो, खाना वाना खा सकते हो और ज़िंदगी के मज़े ले सकते हो। और अगर आपको डैम में जाना है तो वो ये वाला रास्ता है जाने का, तो यहाँ से अभी हम लोग नीचे जाएंगे और फटाफट आ जाएंगे, क्योंकि बारिश का मुझे लग रहा है, और बारिश होने भी लगी थोड़ी थोड़ी, पर इतना जल्दी से घूम के तो आ ही सकते हैं। और ये देखो यहाँ शेर का भी लफड़ा है काफ़ी ज़्यादा। हम लोग उतर गए भाई केरवा डैम में, जा रहे हैं हम लोग नीचे, जाते 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 दिखाऊंगा जल्दी से, बारिश होने लगी है, फटाक से जाएंगे और फटाक से वापस आ जाएंगे, क्योंकि भीगना यहाँ कोई भी नहीं चाहता, पर ये बाइक ले जाना तो मना है, ये कैसे ले जा रहा है बाइक यहाँ भाई। हमारा भोपाल। ये हम आ गए हैं केरवा डैम, जो कि अभी सूखा पड़ा हुआ है, पानी थोड़ा सा कम है, नहीं तो पूरा पानी यहाँ से ऐसे आता है और यहाँ से ऐसे बहता हुआ वहाँ तक जाता है, थोड़ा शानदार माहौल हो जाता है। लकी हूँ क्या मैं बहुत यार, मैं आया और इतना अच्छा मौसम है, हालांकि वीडियो के लिए ये मौसम अच्छा नहीं होता है, पर घूमने में काफ़ी मज़ा आ रहा है। तो एक अपन ने देखा वो कलियासोट डैम, और उसी से जुड़ा हुआ ये केरवा डैम है, तो पहले वो भरता है फिर ये भरता है, ऐसे फिर पानी छोड़ते जाते हैं यहाँ से, यहाँ से पानी नीचे जाता है ना मज़ेदार। और यहाँ कपल भ्रमण भी काफ़ी होता है। कपल भ्रमण। तो यार ये है रिसोर्ट में जो भी रुकता है ना, अरे देखो बंदर भी दिख गया मुझे, वो जा रहा है, तो ऐसा कुछ है रिसोर्ट में जो भी रुकता है वो ये जो है, यहाँ रुकने का तो मज़ा ही अलग है यार, कितना अच्छा व्यू मिल रहा है और मस्त इतना बारिश पानी, आह हा हा हा। और ये हम लोगों ने हमारे लिए ही बनवाया है, क्या पता है हमें मिल गया है यार बारिश से बचने के लिए, हम सब इसमें ही घुस जाएंगे अगर बहुत तेज बारिश हुई तो, है ना, सही माहौल।
आगे जाओगे ना तो वहाँ मंदिर भी दिखता है एक। तो ये यहाँ से पैदल चलते 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 वहाँ कहीं पे जाके है पूरा, और घूम सकते हो, उसके ऊपर भी जा सकते हो। यार बारिश तेज होने लगी है तो हमने ये फैसला किया है कि हम वापस कार में जाएंगे और फिर हम कहीं और जाएंगे, ठीक है? तो अभी ये आप देखिए जब तक देख रहा है बाकी, ठीक है? और ये फोटोशूट चालू हो गया भाई साहब। अच्छा पानी गिर रहा था तो हम कार के पास जा रहे थे, लेकिन फोटोशूट के लिए रुक थोड़ा थोड़ा वाटरप्रूफ फ़ोन का फ़ायदा, आईफोन 11 से फ़ोटो खिंच रही है कमलेश, बाहर बन गया तू हीरो। ले यार तेरी वीडियो बना ली है मैंने यार, क्या फ़ोटो खिंचा रहा है, चल। जय जय गुरुदेव। पशु पक्षी के मांस खाने पर ऐसी बीमारियां आएंगी कि बड़े बड़े वैज्ञानिक की बुद्धि भी फेल हो जाएगी, समझ रहे हो? आश्रम उज्जैन, क्या बात है। महामारी का एक ही उपचार, अपना लो सब शाकाहार। अरे यार पर मुझे चिकन बहुत पसंद है, उसे नहीं छोड़ सकता, बाकी सब छोड़ दूंगा। पाप से बचो, पाप समुद्र में भी नहीं समाता है। हाँ सही बात है, बिल्कुल सही बात है। बंदर बंदर, हाँ हाँ दिख गए मुझे बंदर। ये कूदा कूदा कूदा, अरे 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 इतनी तेज, अरे 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 भाई, अरे अरे नहीं यार, ये भाई हमारे ऊपर मत गिर जा, तो ऊपर ही आ गया। पोटी ना कर दे भाई अपने ऊपर आके। यहाँ से हमने ले ली है कोक, और मैं एक बड़ी अच्छी जगह ले जाऊँगा अभी इन लोगों को, जहाँ मिलती है शानदार मैगी। ये लोग कहाँ गए लेकिन, मिल नहीं रहा मुझे, कहाँ गायब हो गए भाई? अच्छा यहाँ तो खड़े। ओए चलो 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 चलो, मौसम देख रहे हो भाई लोग? और ये जो है जो मैं दिखाना चाह रहा था, कितना सुंदर है ना, फूल ऐसे बिछे हुए हैं, और ये फोटो शूट भी चल रहा है, ऐसा लग रहा है रंग दे तुमो है गेरुआ, है ना। हमारे नेक्स्ट व्लॉग में बहुत तेज बारिश के बीच हम खाएंगे गर्मा गर्म मैगी, उसके बाद हम देखेंगे एक 5-स्टार होटल जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। सैर सपाटा से होते हुए हम जाएंगे सीधा अपर लेक, वहाँ का माहौल जानेंगे, देखेंगे, समझेंगे, उसके बाद हम VIP रोड पे अपना ब्लॉग खत्म करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, गॉड ब्लेस यू ऑल, बी सेफ बी हेल्दी।